दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है पीवीआर एक्वा फैमिली? दोस्तों सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैंने कुछ पायलट प्रोजेक्ट के लिए 10,000 मरल, जिसको यहाँ पे सोल भी बोलते हैं, वो स्टॉक की थी अपने टैंक्स में, और उसके रिगार्डिंग ही मैं आज आपको कुछ अपडेट शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये आप देख पा रहे होंगे फिशेज वाटर, अभी मैं फीडिंग भी बताऊंगा आपको, जस्ट फॉर अपडेट के लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं। अभी कुछ 10,000 मरल्स मैंने 4 टैंक्स में डाली हुई हैं, और लास्ट वीक ऑफ मई में हमने स्टॉक की थी। तकरीबन 3 महीने पूरे हो चुके हैं और 5 से 6 ग्राम का सीड था। अभी एवरेज 60-65 ग्राम है, और कुछ बच्चे तो हमारे 90 ग्राम प्लस हैं। ये बीच में दिखाना चाहूँगा, ये सिंपल वाटर ऐड हो रहा है, और ये आप देख पा रहे होंगे आउटफ्लो, ये पूरा लेवल मेंटेन है। ये मेरा सीड बैंक है, आप देख पा रहे होंगे 20 टैंक्स हैं 32,000 लीटर के, 2 मिलियन कैपेसिटी है। तो केवल मैं इसमें फीडिंग कर सीड बैंक रियर करता हूँ। अभी प्लान है एक मैं पॉन्ड रिपेयर भी कर रहा हूँ, उसमें सारा सीड में स्टॉक करूँगा बाहर। तो 10,000 है, तो 5,000 जो अबाव 90 ग्राम 100 ग्राम हो गए हैं, उन सबको मैं आपका स्टॉक कर दूंगा पॉन्ड में, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा है। मेरे पास केवल सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और बड़ी वाटर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना इजी नहीं है छोटी वाटर बॉडी का। तो यहाँ पे मैं उसकी हर 15 से 20 डेज ग्रेडिंग करवाता रहता हूँ टीम से। आप देख पा रहे होंगे ये फीडिंग, अभी मैं इसको स्क्रेटिंग का खाना खिला रहा हूँ दिन में 4 बार। सब फिशेस को आदत है एक जगह खाने की, देखिए उधर सारी बहुत ही हार्डी मछली है, बट डिजीज आउटब्रेक होगी तो बड़ी भयंकर वाली होगी। तो उसके लिए आपको सिंपल वाटर का बड़ा ध्यान रखना है, वाटर पैरामीटर्स का। अभी 5,000 बाहर स्टॉक कर देंगे, देखिए आप। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 200 प्लस आएगी, और होलसेल प्राइस भी आपका 400 है, लेकिन बहुत ही कम मछलियाँ स्टॉक की हैं। उसका पर्पज ही ये है एज ए पायलट प्रोजेक्ट, अगर अच्छा रहेगा तो आंध्र सबसे ज़्यादा कर रहा है, तो नॉर्थ में भी हम इसको प्रमोट करेंगे कि सबके सब मरल करें। तो मरल में मैं समराइज करता हूँ, अगर आप टैंक्स में कल्चर कर रहे हैं तो एज ए सीड बैंक यूज़ करें, ग्रो आउट के लिए पॉन्ड में जाएं, फीडिंग अच्छी कंपनी का कराएं, ग्रोवेल यूनो स्क्रेटिंग इज गुड, आईबी ने भी स्टार्ट कर दिया 4210, क्योंकि हाई प्रोटीन दे रहे हैं तो हाई अमोनिया भी बनेगा। तो वाटर पैरामीटर्स आपको रेगुलर मेंटेन करने पड़ेंगे, उसके रेगुलर चेक करते रहें, नया फ्रेश वाटर ऐड करते रहें, राइट। और क्योंकि हार्डी मछली है तो पानी की बीमारियां, तो अमोनिया तो वो प्रेशराइज झेल जाएगी, लेकिन अगर कोई डिजीज आउटब्रेक हुई, और थोड़ी बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखें अपने फार्म का, हर एक बंदा एकदम टू एंड फ्रो ना करे, कोई भी आए, कोई भी आपकी सारी फिशेस को, पानी में बहुत सारे बंदों की आदत होती है हाथ डालना है, कोई भी घूम रहा है, तो बड़ा ध्यान रखें आप। बाकी ये जैसे जैसे बाहर में पॉन्ड में शिफ्ट करूँगा तो आपको शेयर करूँगा उसकी भी प्रोग्रेस क्या चल रही है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है, जो भी कुछ रिसर्च R&D होगी, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, तो उससे क्या रहेगा कि आपको फार्मर्स को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों बने रहना पीवीआर का यूट्यूब चैनल पर, और जानते रहना मरल की स्टोरी। बाय।